मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और बहुत ही काबिल एहतराम माओं और बहनों, एक नहायत भयानक बीमारी, ख़तरनाक बीमारी जो एक इंसान की दुनिया भी तबाह करती है, रिश्ते भी तबाह करती है, उसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत को भी तबाह करती है, लेकिन उससे बढ़कर उसकी आख़रत भी तबाह करती है। और ये बीमारी इतनी अजीब है कि ये आपके अंदर शर के रास्ते, बुराई के रास्ते से भी दाखिल हो जाती है, और ये बुराई आपके अंदर खैर के रास्ते, नेकी के रास्ते से भी दाखिल हो सकती है। और इस बुराई का नाम किब्र है। अल्लाह ने उसे दबोचा नहीं, उस पर अजाब नहीं नाज़िल किया, उसको मौका दिया, लेकिन उसने उस मौके को अपनी फनकारी समझ लिया। कई दफा मुझे लोगों ने सवाल किया, साहब नमाज भी पढ़ी दी, अजगार भी करी दी, दुआ भी कर दिया ने, कम होया क्या, कह रहे जा रहा है की फायदा करन दा। यानी जिसमें आकड़ है उसमें असल में कुछ नहीं है, चाहे 70 साल की इबादत उसके पास। आज को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी बदमाशी का राज बनाने के लिए, पूरे मोहल्ले में 2-4 कत्ल करने पड़ते हैं, घर में मुजरे करवाने पड़ते हैं, 2-4 पुलिस वालों को खरीदना पड़ता है, फिर जाके कहीं बदमाश बनता है। शरीफ बनना कितना आसान, चुप कर जाओ, सब्र करो। अगर किसी के जहन में नाऊज़ बिल्ला थोड़ा सा भी तकबूर आना चाहिए ना, अकलिये वाले की बात कर रहा हूं, वो फरिश्ते हैं, जर्रा गुना नहीं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर आप कहते हैं तेन फलां बीमारी है, तो आप कहते नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हाँ, वो की कहना है तो भाई बोलो, एक जुमला बोलता हूँ, डॉक्टर तू है या मैं? तो नबी कह रहे हैं मैं बताऊंगा कि तू बताएगा? जी यार सुना, ये तो आप बताएंगे। बोलो, लचक जिंदा में होती है या मुर्दा में? ये देखिए, ये लचक है, जिधर मर्जी बाजू मुड़ रहा है, गर्दन मुड़ रही है, मुर्दे को थोड़ा सा ऐसा भी गर्दन टूट जाता है, आकड़ है, लचक है। कितनी बड़ी मिसाल है यार, तू मरा हुआ है अगर तू झुकना गवारा नहीं करता। तो शैतान बड़ा खबीस है, क्योंकि उसमें तकब्बुर था ना, वो तकब्बुर की वजह से बेड़ा गर्क करवाया उसने, इसलिए वो सबसे पहले जो चीज़ पैदा करता है बंदे में वो उसको रब बनाने की कोशिश करता है, रब बन। धौण चुक के टोड़ता है ना, ठोडा उन्हीं लगता है, क्या ख्याल है भाई? तो आप अपनी औकात को भूल जाते हैं, तभी आप तकब्बुर करते हैं भाई। ये नहीं यार, वो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, ओ भाई यही है, वो उनके पास गए तो कपड़ों को पैबंद लगे हैं, उनकी पगड़ी में धूल है, वो देख के कहने लगे जो खुद हारा हुआ है उसको हम क्या हराएंगे भाई, क्या शायद तोड़ेगी इस शख्स को, इसने तो अपनी मैं ही मार दी है। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, कैसा? क्योंकि बड़े बंदे ने हिम्मत करके सलाम कर ही दिया, जे तुसी जवाब ना देते ना हौसला टूट जाएगा। फुल्लां दा तू इतर बना, इतना ना फिर कट दरिया, दरिया विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, बंदिया पहले अपनी, पहले अपनी मैं मुका। इसलिए इबादतों की इंतहा क्या हज है, जहां पे मोहम्मद बिन सुलेमान शहजादा सऊदी अरब का और रेड़ी वाला दोनों एक लिबास में खड़े होके काबा के सामने कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक इंसान होने के नाते या अल्लाह तेरे सामने हाजिर है, ना मैं बादशाह ना ये कमी।